लगातार खबरों के लिए बेल आइकन दबाइए। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए न्यूज 29 इंडिया को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं साक्षी, आप देख रहे हैं न्यूज 29 इंडिया। आइए नजर डालते हैं अभी की ताजा खबरों पर। बीसलपुर के प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक द्वारा बच्चों को मदरसा वाली कविता पढ़ाई जा रही। मदरसे वाली कविता के साथ प्रार्थना और शिक्षा की जाती है शुरू। जरुआखेड़ा रेलवे स्टेशन से बीना वन डिपो के सामने मिला एक अज्ञात युवक का शव, पुलिस मृतक की शनाख्ती में जुटी। कंट्रोल रूम में होने वाली पत्रकार वार्ता या अन्य आयोजनों के दौरान अब कुल्लड़ में मिलेगी चाय। सागर पुलिस अधीक्षक ने प्लास्टिक पॉलीथीन पर रोक लगाने के लिए शुरू की पहल। जहां एक और प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में राम राज्य लाने की बात कर रहे हैं, वहीं अयोध्या में राम मंदिर बनाने के नाम पर सरकारें बन जाती है, तो दूसरी ओर जनपद पीलीभीत के बीसलपुर के प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक द्वारा बच्चों को मदरसा वाली कविता पढ़ाई जा रही है। बताया जा रहा है कि विद्यालयों में एक नियम होता है कि शिक्षा सरस्वती वंदना के साथ शुरू होती है, लेकिन यहां पर मदरसे वाली कविता के साथ प्रार्थना के साथ शिक्षा शुरू की जाती है, जिसका विरोध विश्व हिंदू परिषद की टीम ने किया और ज्ञापन देकर मामले की शिकायत SDM सौरभ दुबे से की है। SDM सौरभ दुबे का कहना है कि जांच कर कार्रवाई की जाएगी। ज्ञापन देने वालों में संरक्षक वीरेंद्र लोहिया, नगर अध्यक्ष रवि सक्सेना, अभिमान शर्मा, अभिषेक यादव, गौरी शर्मा और अनमोल शुक्ला आदि मौजूद रहे। बीसलपुर से पंकज गुप्ता की रिपोर्ट। जरुआखेड़ा रेलवे स्टेशन से बीना वन डिपो के सामने एक अज्ञात युवक का शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। घटना की जानकारी लगते ही लोगों का जमावड़ा लगना शुरू हो गया। GRP के सहायक उप निरीक्षक नीलकंठ दुबे ने बताया कि शुक्रवार रात्रि 9:30 बजे के आसपास स्टेशन मास्टर बीना के द्वारा किसी व्यक्ति के टकराने की सूचना मिली थी। मौके पर पहुंचकर GRP पुलिस ने घटनास्थल की छानबीन की तो पुलिस को शव दिखा। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस मृतक की शनाख्ती में जुटी है। सागर से सुधीर द्विवेदी की रिपोर्ट। अच्छा, अभी तक शव की पहचान तो नहीं हुई है। ये स्टेशन जरुआखेड़ा और सोमरेरी के बीच में 1013/23 के बीच रेलवे लाइन से करीब 20 कदम की दूरी पर झाड़ियों में एक व्यक्ति का शव मिला है, जिसकी उम्र करीब 30-35 वर्ष है। अच्छा, उसका मैसेज हम लोगों को रेलवे स्टेशन जरुआखेड़ा से मिला था और साथ में यह जानकारी भी स्टेशन मास्टर मीना साहब ने दिया था कि रात में करीब 9:30 बजे मालगाड़ी के ड्राइवर हैं जो झांसी जा रहे थे, तो उन्होंने एक मैसेज दिया था कि एक व्यक्ति इंजन से टकरा के और अप ट्रैक के बाजू में झाड़ियों के पास पड़ा हुआ है। तो उसके लिए रात में उन्होंने स्टेशन मास्टर ने रेलवे के गैंगमैन लगाए थे और वो ढूंढते रहे, किंतु ट्रैक पर ये व्यक्ति कहीं नहीं मिला। अच्छा, आज सुबह फिर सूचना फिर से मिली कि वह व्यक्ति जो है जिसको रात में ढूंढ रहे थे, उसी की डेड बॉडी झाड़ियों के पास पड़ी हुई है। सागर पुलिस अधीक्षक अमित सांगी ने प्लास्टिक पॉलीथीन पर रोक लगाने के लिए एक नई पहल शुरू की है। सागर पुलिस अधीक्षक अमित सांगी की विशेष पहल पर कंट्रोल रूम में होने वाली पत्रकार वार्ता या अन्य आयोजन के दौरान अब कुल्लड़ में चाय मिलेगी। सागर से सुधीर द्विवेदी की रिपोर्ट। ये जो भी पूरा अभियान चल ही रहा है, जैसा आप सभी विदित हैं कि प्लास्टिक हमारी सेहत के लिए और पर्यावरण के लिए नुकसानदायक है, तो इस बार से हमने ये प्रयास किया है कि जब भी हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस या कोई भी बड़ा कार्यक्रम होता है तो इसमें हम कुल्हड़ में ही चाय सर्व करेंगे सभी को, और निश्चित तौर पर इससे जहाँ हमारे पर्यावरण संरक्षण में मदद मिलेगी, स्वास्थ्य ठीक रहेगा और साथ ही जो काम करते हैं हमारे कुम्हार उनके लिए भी रोजगार इससे बढ़ेगा। सागर शहर के कैंट थाना क्षेत्र के पटकुई गांव के पास मिले युवक के रक्त रंजित शव मामले का खुलासा हो गया है। पुलिस ने युवक की हत्या के दोषी दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस द्वारा 24 घंटे के अंदर किए गए खुलासे में एक प्रेस वार्ता में सागर SP ने बताया कि मकरौनिया निवासी मृतक नीलेश अहिरवार का वही के निवासी ब्रजेन अहिरवार और विक्रम अहिरवार से पुराना विवाद चल रहा था। इसी विवाद को निपटाने की बात कर आरोपियों ने मृतक को बुलाया था और सुनियोजित तरीके से शराब पिलाकर उसकी हत्या कर दी। सागर से सुधीर द्विवेदी की रिपोर्ट। जो मृतक है उसके बहुत सारी लड़कियों से संबंधित थे और इस तरह की जानकारी मिली है,
और जो आरोपीगण है इसमें से एक ये ठेके में मकान वगैरह बनाने का काम भी करता है। तो जो घटना स्थल का चयन हुआ था उसके पास कुछ दिन पहले ही एक मकान का इन्होंने निर्माण किया था, तो इन्होंने देख रखा था कि यहाँ पे सुनसान रहता है, तो इस हिसाब से ये उसको वहाँ ले गए। दशहरे के दिन कुछ इस तरह की बात हुई कि कॉम्प्रोमाइज़ हम कर लेते हैं, हम झगड़ा चूँकि पास में ही रहते हैं तो इस बात को लेके दोनों की कुछ बात हुई कि अब हम झगड़ा नहीं करेंगे। पर जो आरोपी गण हैं इन्होंने बात मन में बिठा रखी थी, तो ये पहले से तय किया इन्होंने और शराब खरीद के लाए, फोर लेन पे बैठ के इन्होंने पहले मृतक को बहुत ज़्यादा शराब पिला दी। जब ये होश में नहीं रहा तब इसको पटकुई में जो शमशान घाट का नाला है वहाँ ले गए और चाकुओं से इसके गले में वार करके इसकी हत्या कर दी। इसमें जो चाकू यूज़ हुए थे वो मिल गए हैं ब्लड स्टेन्स के साथ और दोनों आरोपियों को अरेस्ट कर लिया है, दोनों आरोपियों ने अपना आरोपी स्वीकार कर लिया है। तो इस प्रकार ये एक शुरुआत में एक ब्लाइंड तरह का मर्डर था जिसको हमारे एडिशनल एसपी सीएसपी टीआई कैंट और उनकी पूरी टीम जिन्होंने मेहनत की दो दिन बहुत जल्दी इसको सुलझा लिया है। पूर्व में भी इनका आपस में झगड़े हुए हैं, इस संबंध में जनवरी में पकरौनिया थाने में दोनों की क्रॉस रिपोर्ट भी हुई और जो मृतक है ये थोड़ा सा बदमाश किस्म का भी था, इसका भी हमने रिकॉर्ड लिखवाया था, तो करीब दो या तीन प्रकरण इसके ऊपर दर्ज हैं मारपीट के। तो जनवरी में जो मृतक हैं, मृतक का झगड़ा आरोपियों से हुआ था और इसमें इसका कहना था कि इसके पिता और बहन पे भी जो अभी की खबरों में फिलहाल इतना ही। लगातार खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ 29 इंडिया के साथ, एक देश सारे प्रदेश।